अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। और अभी जो है हम शाम को वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई होप यू रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। एंड गाइस, हम लोगों को अभी का दिखाती हूँ कुछ मंजर। और ये था जी वो कुत्ते जो हमारे गायब हो गए थे कल, और सुबह हमें मिल गए हैं और शुक्र है कि हमें मिल गए हैं। बाकी ये ग्रीनरी है एंड ये गमले पड़े हुए हैं जिन पे अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ। यहाँ पुदीना लगा हुआ है। Assalamualaikum guys, how are you all? I hope you are all doing well. और अल्हम्दुलिल्लाह guys, मैं भी ठीक हूँ। और कल का जो है वो vlog इस वजह से नहीं आया क्योंकि कल बहुत ही एक परेशानी बन गई थी। परेशानी ये थी जी कि लाइट हम लोगों की हो गई थी जी बंद, और हम लोग काफ़ी देर लाइट का इंतज़ार करते रहे करते रहे करते रहे पर लाइट तो नहीं आई। और मसला ये हो गया था कि किसी ने हमारी तारें जो हैं वो मीटर से ही उतार दी। जी हाँ, यहाँ पर ऐसा भी होता है कि मीटर से ही किसी ने तारें उतार दी तंग करने के लिए। और आई डोंट नो कि वो कौन है, जो भी है उसको अल्लाह ही पूछे। और इंशाल्लाह अभी जो है वो मैं अपनी सिस्टर के घर आई हुई हूँ, तो यहाँ पर मेरा मतलब साथ ससुराल भी है और साथ यहाँ पे मेरी सिस्टर का जो घर है। आप कई दफ़ा पहले भी मैं आई हूँ और यहाँ पर मैं आई हूँ और नाइट मैंने यहीं स्पेंड की है। और रात को हम लोग दोनों बहनें सोई नहीं हैं और बच्चे जो थे वो उनको मैं आई थिंक 2-3 o'clock उठ तो 3 o'clock सो गया था, और उसके बच्चे तो पहले ही सो गए थे। तो बाकी हम अभी सुबह का टाइम है, 6 o'clock हो चुके हैं। और टू बी ऑनेस्ट अभी नींद भी आ रही है, पर मुझे था कि मैंने अभी मैं उसी के साथ बातें करते 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 इतना टाइम हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आई। फिर मैंने कहा क्यों, मुझे फिर याद आया कि मैंने आप लोगों को अपडेट ही नहीं दी, मतलब मैं भूल ही गई कि मैंने वीडियो भी अपलोड करनी है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को लेटर अपडेट दी जाए गाइस। तो ये हुआ है मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा हम लोगों का एक परेशानी बन गई है। हर वक्त जो है वो लाइट बंद हो जाती है, और उसके बाद फिर अम्मी जो हैं अब्बू वो लोगों उनका जनरेटर चलेगा चलता रहा होगा रात को, तो फिर वो सोई थी। और मैं इस वजह से नहीं सो पा रही कि अम्मी गर्मी में सोई हुई होंगी, और मैं क्योंकि इधर आ गई घर की वजह से तो जनरेटर पता नहीं चल रहा होगा, इतनी देर तो नहीं चल सकता। आई डोंट नो कितनी देर चलता है और कैसे होता है, तो मुझे बड़ी परेशानी सी बनी हुई है अम्मी का सोच सोच के। और मुझे नींद नहीं आ रही कि मैं इस मतलब तो मैं एसी में सोऊं और अम्मी मेरी जो हैं वो उनके पास एसी की भी फैसिलिटी अभी नहीं, पंखा भी पता नहीं होगा कि नहीं। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है गाइस आज के लिए। और अभी सुबह का मौसम है, सुबह का भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और सुबह सुबह का मौसम है और लेट्स सी कि आगे डे कैसे जाता है। बिकॉज़ कल जो था ना वो हम लोग जब उठे हैं तो फिर उसके बाद मैं हुर के साथ बिज़ी हो गई, और उसके बाद मैं उसके कामों में लग गई क्योंकि मुझे उसके लिए और भी बड़े से काम करने थे उसके साथ। क्योंकि आपको पता है कि मैं काफ़ी 5-6 घंटे तो उसी के साथ मतलब फुल ऑन ही होता है, सुबह से शाम तक ही उसी के साथ ही होता है। पर मैंने कुछ ना कुछ प्लान किया होता है उसके लिए और मैं उसको जो है उसी के साथ लगी रहती हूँ, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं वीडियोज़ भी बनाऊँ फिर उनको अपलोड भी करूँ फिर मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। और फिर आपको पता है कि उस पर सारा सफाई काम वगैरह वो भी हम लोगों ने कंप्लीट किया सारा। पूल टाइम देने वाले थी मैं, और अचानक अम्मी ने कहा कि हम लोगों की लाइट पता नहीं आ जानी भी है कि नहीं, तो फिर मैंने पूल तो ख़त्म कर दिया। मैंने कहा कि पानी ना हुआ तो फिर क्या होगा, और आप लोग सोच नहीं सकते कि अगर बिजली चली जाए, या बिजली तो चली जाए तो वो तो फिर आ ही जाती है अपेरेंटली, पर अगर अगर हो ही ना मतलब तो किसी ने काट दी किसी ने बदनीतियाँ मारी हैं तो फिर अब क्या किया जाए। तो बस यही गाइस बातें हैं यहाँ पे। और यूके में तो इस तरह का कभी कुछ होता नहीं है। अब हाँ बंद होती है तब जब पैसे ना दी हूँ, वैसे नहीं बंद होती। तो फिर उसके बाद मैं जब शाम को यहाँ पर आ गई तो फिर उसके बाद अम्मी का उसी वक्त फ़ोन आ गया कि हम लोगों की लाइट नहीं आने वाली तो तुम ना आओ। फिर मैं जो है वो खाने चली गई थी जी, साथ ही मेरे देवर जो है और उनकी वाइफ मुझे शहर ले गए, तो फिर उधर हम लोगों ने खाया बाबा टिक्का।
मैंने उसकी भी फुटेज नहीं बनाई। और फिर वहाँ से जो है हम लोग घर वापस आए हैं। घर वापस आने के बाद हु वॉज प्लेइंग फिर से खेलना शुरू हो गया, बिकॉज पूल तो टाइम मिला नहीं था, तो फिर वो थकावट तो उसको होनी नहीं थी, मुझे पता था उसने मुझे और तंग करना है, पर अल्हम्दुलिल्लाह तंग नहीं किया। पर साइकिल जो है वो बाहर चलाता रहा और थोड़ा सा भाग भूख लिया, फिजिकल एक्टिविटी हो गई, तो अब मुझे था कि तसल्ली से सो जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं, ये नहीं सोने वाला, ये 3 o'clock 4 o'clock सोएगा, ये नहीं सोने वाला। मैंने अपनी सिस्टर को कह दिया, मैंने कहा इतने सोना ही नहीं है हमें, वो कहेंगे नहीं आप 11 12 सो जाए, हम सो जाते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैं इसने सोना ही नहीं। अच्छा हुआ कुछ यूँ कि वो थोड़ी देर बाद जैसे ही मतलब हम लोग बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, वो मेरी सिस्टर के पास जाके सो गया। कपड़े शपड़े मैंने रात को चेंज उसके कर दिए, और अम्मी ने जो है वो मुझे चीज़ें वगैरह भेज दी थी, उसके डायपर्स वगैरह, कपड़े वगैरह, दूध फीडर, ये वो सब कुछ भेज दिया था। तो वो यहाँ पर आ चुका था और मैं जो थी वो मैं तो ऑलरेडी यहीं पर थी। घर तो बिल्कुल पास ही है, मतलब 5 मिनट्स भी नहीं लगते घर पे जाते हुए पैदल यहाँ से जाएं। तो बस फिर उसके बाद ये हुआ है गाइज, और अब ये टाइम आ गया है, अब सुबह का टाइम है, मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही बिकॉज मैं अपना थोड़ा सा कोर्स वर्क करने में लग गई थी। और फिर उसके बाद जो है अभी सुबह के टाइम अब मैं जो है वो सोने जाऊंगी इंशाल्लाह। और जैसे ही आप लोगों के साथ आगे की वीडियो, आई डोंट नो मैं कब स्टार्ट करने वाली हूँ और कब फिनिश होने वाली है, बिकॉज़ ये तो पूरा दिन का ही वीडियो हो गया और पूरा दिन की स्टोरी हो गई। मतलब पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी नहीं किया। अपने आप बहुत कम टाइम, बहुत ही कम टाइम कि आपको मैं बता नहीं सकती। और इस तरह की परेशानियाँ रोज़ बनती जा रही हैं, आई डोंट नो वाई, क्यों बनती जा रही हैं और क्यों ये मसले हो रहे हैं। कौन है जो मतलब तारे उतार रहा है, कभी तारे फेंक रहा है, कभी क्या कभी क्या, कोई सुकून से रहने ही नहीं देता यहाँ पे। मतलब कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, और मसले मसाइल हैं यहाँ पे, वहाँ पर इस तरह नहीं, यहाँ पर इस तरह नहीं है कि आपने गाड़ी निकाली, चलो जी जाओ और काम शाम अपने किए और आगे। बस यही स्टोरी है गाइस। और अभी रिव्यू एंड एनालिसिस की वीडियो बिल्कुल भी नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने देखी तो थी उनकी काफ़ी अर्से, तो मैंने वैसे भी नहीं बनाई, मैंने देखी थी अली वीर उमेरा और उनकी वीडियो। मैं अम्मी के साथ बैठ के फिर भी देख लेती, तो वो लोग गए हुए थे अस्पताल, अपेंडिक्स का उमेरा का कोई ऑपरेशन हुआ है और वो अस्पताल गई हुई थी। और बड़े पॉइंट्स मैंने भी निकाले, पर बहुत सी चीज़ें थी, पर आई डोंट फील लाइक डूइंग इट। मैंने कहा यार क्या, इनके तो यही ड्रामे रहने हैं, इन्होंने नहीं बदलना, दुनिया ने इधर की उधर हो जाए ये नहीं बदल सकते, क्योंकि इतने सालों से नहीं बदले, अब उन्होंने क्या बदलना है। नसरुल्ला को देखा, वो अपनी स्टोरियाँ, पानी लगाना इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन किसी की ईमानदारी करना, पानी लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हम अकेले कहीं पर भी चले जाते हैं, बीवी को छोड़ जाते हैं, बीवी पहुँच जाती है, कोई मसला नहीं है, पर बहन को जब पूछने जाना है तो देन देयर इज प्रॉब्लम्स, और इनकी प्रॉब्लम्स हल होने वाली नहीं है। बात करने का मकसद सिर्फ सिर्फ ये है कि झूठ अभी भी चल रहा है गाइस, यूट्यूब पे हर तरफ भरा हुआ है, कोई कोई झूठ बोलने का कोई वो छोड़ते ही नहीं है ना, मतलब बात हर तरफ झूठ लगा देना है, हर तरफ अपनी स्टोरी में झूठ जरूर डालना है। और बस गाइस अभी जो है वो थोड़ी देर सोऊंगी, बिकॉज मेरी भी तबीयत अब आगे बंद होने लग गई है। और इंशाल्लाह आप लोगों से स्टे कनेक्टेड गाइस, एंड लाइक करना ना भूलें। अगर वीडियो को आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं। ज्वाइन करने का मैं नहीं कहती कि नहीं नहीं मेरे वीडियो को ज्वाइन करें या मुझे मेरे चैनल को ज्वाइन करें, नहीं करना, बेशक ना करें, लाइक ज़रूर करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त गाइस, और सुबह का अभी आपको पता नहीं मैं दिखा, बहुत लाइट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को भी सुबह का मंजर नहीं दिखा सकती, नहीं तो आपको चिड़ियों की आवाज़ें तो आ ही रही होंगी, आई डोंट नो आ रही हैं कि नहीं। और ओके बाय, जज़ाकअल्लाह।